दूध हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर चाहे बच्चे बूढ़े या जवान हो, ये सबके लिए उपयोगी है। भारतवर्ष में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। दूध के नाम पर याद किया जाने वाला नाम है वर्गीज कुरियन। 30 सालों में भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने वाले फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन के विचारों के अनुसार ऑपरेशन फल ने भारत की मिल्क इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया है। मिल्कमैन के नाम से जाने वाले कुरियन के जन्म दिवस को ही मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे के तौर पर। कुरियन ने त्रिभुवन दास पटेल के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट मिल्क कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसर्स यूनियन के तहत मिल्क कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, जिसे आज हम अमूल के नाम से जानते हैं। इस योजना के तहत बिचौलियों को हटाकर उत्पादकों का सीधा उपभोक्ताओं के साथ संपर्क बना दिया गया। इस योजना के तहत 700 शहर जुड़े और इसी तरह अमूल सबसे बड़ी डेयरी कंपनी बनकर सामने आई। इसी योजना से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसे पूरे देश में लागू करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की थी। कुरियन जी को भारत पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे से भी सम्मानित किया गया है और इसी तरह उनके सम्मान के लिए उनके जन्म दिवस को ही मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे के तौर पर। इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग रूट है, हम लोग बनारस से शुरू कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम 2500 किलोमीटर कवर करने वाले हैं 12 दिन में, तो उसका एक्साइटमेंट, उसकी जो थ्रिल है वो अभी तक है। पूरा जोश है, आगे देख रहे हैं कैसे जाके वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। Proud to be a part of this big event. बाइक रैली का मकसद ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे, इस वाइट रेवोल्यूशन से जोड़ने की कोशिश करेंगे और इसकी जो बेनिफिट है वो जनमानस तक पहुंचना चाहिए, यही हमारा एक नया उद्देश्य है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने जो डेयरी सेक्टर में काम किया है उसकी वजह से गांव की महिलाओं को आमदनी मिलने का काम हुआ है और उनका अपलिफ्टमेंट हुआ है। Dr. Kurian decided to take a ride that has put India as the largest milk producer in the world. Same way, we as a riders have taken the opportunity to let the people know his legacy and take the milk movement forward. ये थी नेशनल मिल्क डे पर P4 News की खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए P4 News। नमस्कार।